हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे. सो आई एम योर टीचर पूजा सहानी विद योर बुक ग्रामर ग्लिटर ओडिसी बाय ब्रेन रूट सीरीज. एंड हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 20 पर, एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स. सो हम अब करेंगे एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव. चलिए आगे चलते हैं. यस, सो अब आपको इन सेंटेंसेस को रीड करना है बच्चों. कुनाल इज वेरी हैप्पी. द सन इज क्वाइट हॉट. रुडोल्फ्स नोज इज वेरी ब्राइट. मैरी हैड अ लिटिल लैम. इट हैड वाइट फ्लीस. ऑल द वर्ड्स इन ब्लू कलर आर एडजेक्टिव्स. ओके, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहे हैं किसको? कुनाल को. कुनाल इज वेरी हैप्पी. सन को, द सन इज क्वाइट हॉट. नोज को, रेडोल्फ्स नोज इज वेरी ब्राइट. लैम्प को, कि मैरी हैड अ लिटिल लैम. और फ्लीस को. ओके, सो अब हम यहाँ पर सेंटेंसेस बनाएंगे. मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन विद दीज एडजेक्टिव्स. ओके, सो यहाँ पर हमें एडजेक्टिव दिए हुए हैं और हमें बनाने हैं सेंटेंसेस. ओके, तो चलिए शॉर्ट. अब हम क्या करेंगे? शॉर्ट. दिस शर्ट इज वेरी शॉर्ट. ओके, दिस शर्ट इज वेरी शॉर्ट. तो ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? शॉर्ट शर्ट को. राइट, डर्टी. द रूम इज वेरी डर्टी. सो डर्टी किसके बारे में बता रहा है हमें? रूम के बारे में. राइट, क्वाइट. आई कीप क्वाइट व्हेन आई स्टडी इन द क्लास. ओके, सो इस तरह से बच्चों हम सेंटेंसेस को बना लेते हैं. ओके, प्रिटी. रियाज ड्रेस इज वेरी प्रिटी. ओके, इजी. क्वेश्चंस वर easy in exam. okay, so इस तरह से मैंने आपको इन फाइव के सेंटेंसेस बनाकर दिखाए. नाउ दीज ऑल फाइव आई वॉन्ट के आप इन्हें अपने होमवर्क में करें. ओके, बहुत ईजी सेंटेंसेस, कुछ भी बना सकते हैं आप. बस आपको इन वर्ड्स को एडजेक्टिव्स की जगह यूज करना है और याद रखना है कि ये आपको नाउन के बारे में कुछ डिस्क्राइब करें. राइट, सो एडजेक्टिव होते ही वही हैं बच्चों जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन को. ओके, चलिए. मैच द वर्ड्स विद द वर्ड्स दैट आर सिमिलर इन मीनिंग. जो मीनिंग में सिमिलर हैं हमें उनसे मैच करना है. ह्यूज, ह्यूज का मतलब क्या होता है? बड़ा. सो ह्यूज, इनॉर्मस. ओके, सो यहाँ पर मैं नंबर वन भी लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो बच्चों. टाइनी का मतलब होता है छोटा. ओके, सो लिटिल. टाइनी मतलब लिटिल. चीयरफुल मतलब खुश, हैप्पी. सो चीयरफुल, हैप्पी. क्विक मतलब फास्ट, जल्दी करने वाला. सो दिस इज फास्ट. नीट मतलब टाइडी, साफ सुथरा. जो साफ हो उसे कहते हैं नीट या फिर कहते हैं टाइडी. ओके, हॉट मतलब वॉर्म, गरम. गरम को कहते हैं हॉट. एंड कोल्ड मतलब चिली. राइट, सो प्लीज आप भी इसे मैच कर लीजिए अपनी बुक में. नाउ लुक एट द वर्ड्स हाइलाइटेड इन ब्लू इन द सेंटेंस. व्हाट डू दे डू? चलिए आगे चलते हैं. सो दे एड मीनिंग टू द एडजेक्टिव हैप्पी, हॉट एंड bright. okay, so the words very and quite are adverbs. We have already learned that adverbs tell us
हाउ व्हेन और वेयर एन एक्शन इज डन. किया था ना हमने प्रीवियस चैप्टर में, एक्शन कैसे हुआ, एक्शन कहाँ हुआ और एक्शन कब हुआ. नाउ वी नो दैट एडवर्ब ऑल्सो डिस्क्राइब एडजेक्टिव. एडवर्ब्स जो हैं वो वर्ब को तो डिस्क्राइब करते ही हैं बच्चों, वो एडजेक्टिव्स को भी डिस्क्राइब करते हैं. मोस्ट एडवर्ब्स एंड्स विद ly. ly से एंड होते हैं ना, जैसे हैप्पीली, क्विकली, ब्राइटली, एंड यूजुअली फॉलो द वर्ब इन अ सेंटेंस. और हम उन्हें कहाँ लगाते हैं, यूजुअली वर्ब के बाद लगाते हैं. सो चूज एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स एंड एड ly to form adverbs to complete the sentence. You will have to do some other changes too. क्योंकि हमें sentence के according changes भी करने पड़ते हैं. चलिए, the dog barked. कैसे dog bark करा? Loud, right? So dog barked loudly. So इसको हम अगर adverb बनाएंगे तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, ly. द सम्स वर इजी. सम्स तो इजी थे एंड सो द चिल्ड्रन फिनिश देम क्विक. क्विक नहीं आएगा ना, कैसे करा, क्विकली, राइट. अजय ड्रोव द कार डैश थ्रू द ट्रैफिक. कैसे, अजय ड्रोव द कार केयरफुली. ओके, द बॉय पेंटेड द वास. कैसे, ब्यूटिफुली. आई स्पोक डैश बिकॉज ग्रैंड मदर वॉज स्लीपिंग. आई स्पोक सॉफ्टली, राइट. मीरा सेड डैश दैट शी हैड लॉस्ट हर बुक. मीरा सेड, अगर अब हम इसे अनहैप्पीली भी लिख सकते हैं या हम इसे क्या लिख सकते हैं, अगर हम एडवर्ब में बनाएंगे सैडली. ओके, सो मीरा सैड सैडली दैट शी हैड लॉस्ट हर बुक. सो इस तरह से हम इन एडजेक्टिव्स को क्या बना लिया, हमने एडवर्ब बना लिया ly एंड करके, राइट. सो प्लीज गो अहेड. नाउ इट इज पॉसिबल कि हम एडवर्ब्स बना लें कैसे, ly में कर, ly ऐड करके मोस्ट एडजेक्टिव्स में. बहुत सारे एडजेक्टिव्स में हम ly ऐड करते हैं तो एडवर्ब बन जाता है. जैसे हैवी में ly ऐड करा तो बन गया हैवीली. पोलाइट में ly ऐड करा तो बन गया पोलाइटली. इनफैक्ट जो एडिंग ly टू एन एडजेक्टिव इज द मोस्ट कॉमन वे. ये बहुत कॉमन वे है किस चीज़ का, ऑफ फॉर्मिंग एन एडवर्ब, एडवर्ब को बनाने का, ठीक है. जब हम बच्चों एडजेक्टिव में ly ऐड कर लेते हैं तो क्या बन जाता है, एडवर्ब. लेट अस लुक एट सम मोर एग्जाम्पल. केयरफुल में ly ऐड किया केयरफुली. क्वाइट में ly ऐड किया तो क्वाइटली. सॉफ्ट में ly ऐड किया सॉफ्टली. ईजी में ly ऐड किया ईजीली. क्विक में ly ऐड किया क्विकली. एग्जैक्ट में ly ऐड किया तो एग्जैक्टली. ओके, सो नाउ दिस इज द इंटरप्रिटेशन. टू फॉर्म एन एडवर्ब फ्रॉम एन एडजेक्टिव एंडिंग विद ई, जो एडजेक्टिव ई से एड एंड होता है, सो वी सिंपली एड ly टू द वर्ड. ये आपको याद रखना है बच्चों, जो एडजेक्टिव एंड होता है ई लेटर पर, जैसे कि सेफ ई लेटर पर एंड हो रहा है, नाइस ई लेटर पर एंड हो रहा है, उसमें हम ly लगाते ही हैं. ओके, सो दिस इज कंपल्सरी. नाउ टू फॉर्म एन एडवर्ब फ्रॉम एन एडजेक्टिव एंडिंग विद y, वी ड्रॉप द y. जो y से एंड होते हैं एडजेक्टिव, उसमें हम y को छोड़ देते हैं और क्या ऐड कर देते हैं, ly. जैसे हंग्री, ये y से एंड हो रहा है, इसमें हमने y हटा के क्या लगा दिया, ly. हैप्पी, हैप्पी में y हटा दिया और क्या स्पेलिंग हो गई उसकी, happily. सो आपको ये याद रखना है बच्चों, एडजेक्टिव्स जो एंड होते हैं ई लेटर पर, उसमें हम ly ऐड कर देते हैं, और एडजेक्टिव जो एंड होते हैं y लेटर पर, उसमें हम y को हटा देते हैं और उसकी जगह क्या ऐड कर देते हैं, ly. ओके, सो नाउ दिस इज द एक्सरसाइज डी. इसमें आपको क्या करना है, इन वर्ड से एडवर्ब्स बनाने हैं, देन यूज देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, और उसके बाद सेंटेंस भी बनाने हैं. जैसे लकी,
सो क्या आ जाएगा यहाँ पे एल यू सी के आई एल वाई लकीली. ओके चलिए मैं पहले आपको ये बना के दिखा देती हूँ करेक्टली. एंग्रीली लाउडली साइलेंटली fiercely, usually, merrily. okay? so अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको बनाने हैं इनसे sentences भी. lucky का बन गया luckily. okay? so luckily I got the movie ticket. correct. I have done all sums correctly. Okay, angry. So my father shouted at me angrily. Loud, the dog barked loudly. Silent, grandma was sleeping, so I worked silently. Fiercely, the wind was blowing fiercely. अब ये जो दोनों हैं ये आपके होमवर्क में मैंने आपको दिए, आपको इनसे क्या बनाना है सेंटेंस. ओके सो प्लीज डू दिस होमवर्क एंड आई होप कि अब आपको एडजेक्टिव से कैसे एडवर्ब बनाना है ये समझ में आ गया होगा. सो कुछ बार कई बार क्या होता है बच्चों, द सेम वर्ड कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव एंड एन एडवर्ब. सेम वर्ड होता है वो एडजेक्टिव की तरह से भी यूज हो सकता है और एडवर्ब की तरह से भी यूज हो सकता है. लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल. बेला सेट ऑन द हार्ड बेंच. तो ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है हार्ड वर्ड, बेंच को, राइट. सो ये हो गया एडजेक्टिव. ओके बिकॉज ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है. बेला वर्क्स हार्ड एट द फैक्ट्री. अब ये हो गया एडवर्ब बिकॉज ये बेला वर्क्स हार्ड एट द फैक्ट्री. बेला काम करती है फैक्ट्री पे कैसा, हार्ड मुश्किल, मतलब वर्क हार्ड करती है. सो ये किसको हार्ड, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, वर्क को. एंड वर्क इज अ वर्ब. सो जो वर्ब को डिस्क्राइब करेंगे वो क्या होंगे, एडवर्ब, और जो नाउन को डिस्क्राइब करेंगे वो होंगे एडजेक्टिव. आपको आई होप कि मीनिंग समझ में आ रहा होगा, डिफरेंस भी समझ में आ रहा होगा. वर्ड दो सेम ही है, हार्ड हार्ड. ओके एक डिस्क्राइब कर रहा है बेंच को कि बेंच हार्ड है, और एक डिस्क्राइब कर रहा है कि वर्क्स को कि काम वो कैसा करती है, वर्क्स हार्ड. ओके कठिन काम, परिश्रम वाला काम. ओके सो ये डिस्क्राइब कर रहा है वर्ब को. सो ये हो गए एडवर्ब. यहाँ पर हार्ड एडवर्ब बन जाता है. यहाँ हार्ड डिस्क्राइब कर रहा है बेंच को, नाउन को, तो ये बन जाता है यहाँ पर एडजेक्टिव. ओके टुडे इज माई लास्ट डे एट स्कूल. सो ये एडजेक्टिव है बिकॉज ये डे को डिस्क्राइब कर रहा है. डे इज अ नाउन, राइट. एंड आमिर केम लास्ट इन द रेस. आमिर रेस में आया क्या, लास्ट. ओके सो क्या प्लेस था उसका, लास्ट प्लेस था उसका. सो केम, ये केम को डिस्क्राइब कर रहा है. तो यहाँ लास्ट डे को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को, सो एडजेक्टिव बन गया. यहाँ जो लास्ट है वो केम को डिस्क्राइब कर रहा है, क्या उसकी पोजीशन आई, सो ये बन गया एडवर्ब. ओके सो नाउ वी कैन आइडेंटिफाई वेदर अ वर्ड इज एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब. हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वर्ड एडजेक्टिव है या एडवर्ब, डिपेंडिंग ऑन द वर्ड इट डिस्क्राइब्स. उस वर्ड पर डिपेंड करता है ये चीज़ जिसको वो डिस्क्राइब कर रहा हो. ओके अगर वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को तो वो क्या होगा बच्चों, एडजेक्टिव. और अगर वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है वर्ब को तो वो क्या होगा, एडवर्ब. ओके सो आपको ये ध्यान रखना है कि जो वर्ड है वो किसे डिस्क्राइब कर रहा है, राइट. चलिए अंडरलाइन द एडजेक्टिव एंड सर्कल द एडवर्ब इन दिस सेंटेंस. सो आपको इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ही क्विकली थ्रू ऑन हिज ऑरेंज शर्ट एंड पैंट्स. ओके ही क्विकली थ्रू ऑन हिज ऑरेंज शर्ट एंड पैंट्स. उसने क्विकली थ्रू मतलब फटाफट फेंका. तो यहाँ पर ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है. सो हमने क्या करना है, इसको कर देना है सर्कल क्योंकि ये है एडवर्ब, और एडजेक्टिव को
ऑरेंज शर्ट एंड पैंट्स, ये है हमारा एडजेक्टिव. शर्ट एंड पैंट्स को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? ऑरेंज वर्ड, राइट. द ब्लैक कैट स्टिल्थली वॉक्ड ऑन द ओल्ड विंडो सिल. सो कैट को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? कैट इज अ नाउन, ब्लैक. सो ये हो गया क्या? एडजेक्टिव. स्टिल्थली वॉक्ड, वॉक्ड कैसे करी उसने? स्टिल्थली. सो ये हो गया हमारा कैसे करी, एडवर्ब ऑफ मैनर. सो स्टिल्थली इज द एडवर्ब. ऑन द ओल्ड विंडो सिल, सो विंडो कैसी है? ओल्ड है. ओके, विंडो कैसी है? ओल्ड है. विंडो इज अ नाउन, सो ओल्ड क्या हो गया यहाँ पर? एडजेक्टिव हो गया, राइट. वी हैप्पीली एट द जूसी मैंगोज. हमने कैसे खाया? हैप्पीली. तो एट ये वर्ब है, इसको कौन डिस्क्राइब कर रहा है? एडवर्ब, हैप्पीली. और मैंगोज कैसे हैं? जूसी. मैंगोज नाउन है, मैंगोज को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? जूसी. सो जूसी क्या हो गया यहाँ पर हमारा? एडजेक्टिव हो गया, राइट. शी क्लम्सली स्पिल्ड हॉट कॉफी ऑन हर ड्रेस. उसने स्पिल्ड करी हॉट कॉफी अपनी ड्रेस पर, राइट. सो कॉफी कैसी है? हॉट है, राइट. बट कॉफी है नाउन, तो हॉट क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव, राइट. और स्पिल्ड मतलब वर्ब, गिरा दी. कैसे गिराई? क्लम्सली. सो क्लम्सली डिस्क्राइब कर रहा है स्पिल्ड को, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब, राइट. चलिए आगे चलते हैं. द स्टूडेंट स्लूपिली रॉट हिज आंसर्स ऑन द क्रम्पल्ड होमवर्क शीट. अब होमवर्क शीट नाउन है और कैसी है वो? क्रम्पल्ड है. सो क्रम्पल्ड हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव, ओके. और स्टूडेंट्स रोट हिज आंसर, रोट लिखा. कैसा लिखा? स्टॉपिली, ओके. सो स्लोपिली, सॉरी, स्टूडेंट्स स्लोपिली रोट. सो रोट इज द वर्ब और इसको कौन डिस्क्राइब कर रहा है? स्लोपिली. सो स्लोपिली हमारे लिए क्या हो गया? जो हमारी वर्ब को डिस्क्राइब करेगा वो हमारे लिए होगा एडवर्ब. शी सिंग्स स्वीटली. वो गाती है कैसा? स्वीटली. तो ये तो यहाँ पर सिर्फ एडवर्ब है, राइट. शी इज अ प्रिटी गर्ल. अब गर्ल इज अ नाउन, ओके. रिया इज अ प्रिटी गर्ल. सो रिया को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? प्रिटी वर्ड. एंड रिया इज अ नाउन, तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव. रोहन स्पीक्स स्लोली. कैसे बोलता है? स्लोली. तो बोलने को डिस्क्राइब कर रहे हैं हम यहाँ पर, राइट. रोहन स्पीक्स स्लोली. सो रोहन स्लोली नहीं है, उसका बोलना स्लोली है, उसका वर्ब स्लोली है. सो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब. राहा ड्रेसेस प्रिटिली. राहा कैसी ड्रेस पहनती है? प्रिटिली. सो राहा ड्रेसेस प्रिटिली, ओके. सो दिस इज ऑल्सो एडवर्ब. द टीचर एंग्रिली ग्रेडेड. क्या किया? ग्रेड किया. एंग्रिली एडवर्ब. द मेसी होमवर्क असाइनमेंट. होमवर्क असाइनमेंट इज द नाउन और इसको कौन डिस्क्राइब कर रहा है? मेसी. सो ये हो गया एडजेक्टिव. सो सिंपल सा रूल बच्चों आपको याद रखना है, एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स. एडजेक्टिव्स किसको डिस्क्राइब करते हैं बच्चों? हमेशा याद रखना है नाउन को, और एडवर्ब डिस्क्राइब करते हैं वर्ब को. बस आपको ये चीज़ लर्न रखनी है, ओके. चलिए आगे चलते हैं. आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा. नाउ एंड दिस इज वोकैबुलरी टॉपिक चिल्ड्रन. वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज्ड और इन्हें हम कहते हैं होमोनियम्स, ओके. होमोनियम्स वो होते हैं बच्चों जिनकी साउंड एक जैसी होती है लेकिन उनके मीनिंग्स और उनकी स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं, राइट. साउंड एक जैसी होती है लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. शीला वॉज वेरी वीक आफ्टर द इलनेस. बीमारी के बाद वो बहुत वीक हो गई. वीक का मतलब होता है बच्चों कमज़ोर. एंड एवरी वीक वी गो आउट. हर हफ्ते हम बाहर जाते हैं. तो दोनों की साउंड सेम है ना, वीक वीक. लेकिन इस वीक का मतलब क्या है? कमज़ोर. और इस वीक का मतलब क्या है? हफ्ता, सप्ताह, राइट. सो आगे चलते हैं. ईशान एट द होल केक. ईशान ने सारा केक, पूरा केक खा लिया. देयर इज़ अ होल इन द वॉल. दीवार में एक छेद है. सो पूरे को भी कहते हैं होल और छेद को भी क्या कहते हैं? होल.
सो देखिए साउंड सेम है लेकिन मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है और स्पेलिंग भी डिफरेंट है, राइट? रीना हैज ब्राउन हेयर. रीना के हेयर कैसे हैं? ब्राउन हेयर. इस हेयर का मतलब है बाल. द हेयर रैन फास्ट. सो कैसा भागा हेयर? फास्ट. ओके, सो ये हो गया यहाँ पर एनिमल हेयर और ये हो गए हमारे बाल. ऑल द बॉयज वर क्वाइट, मतलब सब बच्चे कैसे थे? चुप, क्वाइट. ओके, ही इज क्वाइट हेल्दी नाउ. और इस क्वाइट का मतलब क्या है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक. ओके, सो यहाँ पर सिर्फ साउंड सेम है लेकिन इनके मीनिंग्स और इनकी स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं. सो इस तरह के वर्ड्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? होमोनियम्स. वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज्ड. ओके, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म फ्रॉम द ब्रैकेट. द फोर पोस्टर बेड इज मेड ऑफ वुड. लकड़ी का मतलब तो यही स्पेलिंग होती है ना, वुड की, लकड़ी की, वुड, राइट? डैश वन इज योर फेवरेट अमंगस्ट दीज. विच, ये वाला विच आएगा यहां पर, विच वन. ओके, डू यू नो द डैश टू द क्लिनिक? वे टू द क्लिनिक. ओके, वी हर्ड अ डैश फ्रॉम ग्रैंडमा. सो क्या सुना आपने? टेल. टेल का मतलब होता है स्टोरी. ओके, आकाश ले इन बेड विद अ स्वोलन आई. ई वाई ई, राइट? सो इस तरह से हम यहां पर करेक्ट वर्ड लिखेंगे. मेक सेंटेंसेस विद द वर्ड्स टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन देयर मीनिंग. सो वुड, इसका मतलब है लकड़ी. द बेड इज मेड ऑफ वुड. और इस दूसरे वुड का मतलब क्या है? वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी? वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी? नाउ स्टील, इस स्टील का मतलब होता है चुराना. दे स्टील मनी फ्रॉम द बैंक. और इस स्टील का मतलब क्या होता है? द विंडो इज मेड ऑफ स्टील. ओके, ये जो स्टील आपके घर में भी होंगे स्टील के बर्तन, एस टी डबल ई एल, स्टील का मतलब है वो स्टील जो एक मेटल होता है. ओके, नाउ ब्लू द विंड ब्लू स्लोली, मतलब बहना. ओके, ब्लो, ब्लू, ब्लू. द ड्रेस इज ब्लू इन कलर. ओके, सो अब आप इन दोनों का सेंटेंसेस बनाएंगे अपने होमवर्क में. मैं आपको मतलब समझा देती हूँ. एट मतलब ए टी ई, खाना. ओके, एंड दिस इज द पास्ट फॉर्म ऑफ ईट. ओके, एट का मतलब आपको पता है आठ, राइट? सो एट का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पर? आठ. सो नॉट मतलब नहीं और के एन ओ टी मतलब गांठ, जो नॉट बांधते हैं ना हम, गांठ. ओके, सो इसको आप करेंगे अपने होमवर्क में. ओके, सो चिल्ड्रन, दिस इज कॉम्पोजिशन टॉपिक फ्रॉम योर बुक ग्रामर ग्लिटर ओडिसी बाय ब्रेन रूट सीरीज एंड वी विल डू लेटर राइटिंग हेयर. ओके, सो इसमें मैं आपको बता रही हूँ पर्सनल लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं. पर्सनल लेटर्स को बच्चों हम कहते हैं इनफॉर्मल लेटर. ये लेटर हम किसे लिखते हैं? अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, इन सब को जो हम लेटर्स लिखते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं पर्सनल लेटर्स या फिर इनफॉर्मल लेटर्स. दे बेयर डिफरेंट आइटम्स ऑफ न्यूज़ फ्रॉम द राइटर. सो आप जब एक पर्सनल लेटर लिखोगे तो आपको किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखना है, अब आप इसे सुनेंगे. चलिए, राइट योर एड्रेस ऑन द टॉप लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज. आपको कहाँ अपना एड्रेस लिखना है? टॉप हैंड
साइड ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज. लेफ्ट में सबसे ऊपर आपको अपना एड्रेस लिखना है और हमेशा कैसे स्टार्ट करना है, डियर से, बिकॉज ये आपका पर्सनल लेटर है. ये आप अपने लव्ड वंस को लिख रहे हो जिनसे आप प्यार करते हो, चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे वो आपकी फैमिली हो, रिलेटिव्स हों, कजन्स हों, राइट. सो आप उनको कैसे स्टार्ट करोगे, डियर डियर, ओके, माई डियर मदर, माई डियर फ्रेंड, इस तरह से. द मेन कंटेंट ऑफ द लेटर इज नोन एज द बॉडी ऑफ द लेटर. मेन कंटेंट को हम क्या कहते हैं, बॉडी ऑफ द लेटर. पर्सनल लेटर कैन बी एंडेड विद वर्ड्स सच एज विद लव, लॉट्स ऑफ लव एंड वार्मली. इस तरह से हम इन्हें एंड कर सकते हैं. मैं आपको आगे एग्जाम्पल दिखाऊंगी, उससे बच्चों आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. देन पुट योर सिग्नेचर एट द एंड, और लास्ट में हम अपने सिग्नेचर लगाते हैं, राइट. चलिए, ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, हम इसे पढ़ने वाले हैं. रीड अ लेटर रिटन बाय अ लिटिल गर्ल टू हर फ्रेंड. एक छोटी बच्ची ने अपनी फ्रेंड को लेटर लिखा है. सो सबसे पहले आपको मैंने बताया, टॉप लेफ्ट हैंड पे आपको अपना एड्रेस लिखना है. आपने डेट डाल दी, और कैसे स्टार्ट करेंगे हम, उसकी फ्रेंड का नाम है फातिमा, डियर फातिमा, ओके. आई रिसीव्ड योर लेटर टुडे, आई एम ग्लैड टू नो यू आर वेल इन मेरठ. All of us are quite well here. हम सब यहाँ बिल्कुल ठीक हैं. I pray to God for your good health and happiness. मैं आपकी भी खुशियों और सेहत की कामना भगवान से करती हूँ. Our results have been announced. हमारे results announced हो चुके हैं. I have passed the examination. मैंने exam pass कर लिया है. I have also got admission in class 4th. और मेरा class 4th में admission हो गया है. What about your birthday in June this year? So, आपका इस साल आपके birthday जो जून में आ रहा है उसके बारे में क्या सोचा है? I am eager to know about your plans. मैं आपके plans को जानना चाहती हूँ. I am very excited. I am eager. Please convey my regards to your parents and elders. अपने parents और घर में जो बड़े हैं उनको मेरा regard देना, मतलब बच्चों नमस्ते कहना, right? Wish करना उनको मेरी तरफ से. Reply soon, जल्दी जवाब देना. Yours sincerely, भावना. ओके, हम यहाँ पर लिख सकते थे lots of love भी, ओके, so या फिर warmly, कुछ भी लिख सकते थे. So इस तरह से ये लिखा जाता है personal letter. ओके बच्चों, चलिए आगे चलते हैं. नाउ आपके लिए मैं दो टॉपिक दे रही हूँ आपको. आपको भी पर्सनल लेटर लिखने हैं अपनी नोटबुक में. यू आर प्रियांश, आपका नाम प्रियांश है. अपने बेस्ट फ्रेंड को आपको लेटर लिखना है और डिस्क्राइब करना है कि आप, व्हाट आर यू डूइंग ऑन अ हॉलीडे विद योर अंकल आंट एंड कजन्स. आप अपने अंकल आंट और कजन्स के साथ हॉलीडे पर क्या कर रहे हो, राइट. And second one is write a letter to your pen friend telling him her how you enjoyed your last winter holidays. आपने अपनी last winter holidays कैसे enjoy की, आपको letter लिखना है अपने pen friend को. Pen friend वो होते हैं बच्चों जिनसे हम सिर्फ letter के through friendship रखते हैं, okay? So आपके पास दो topic हैं. अब आपने इन दोनों को अपनी notebook में लिखना है. आपको याद रखना है कि आपने greet कैसे करना है dear से, end कैसे करना है lots of love, with love, okay? और left hand side पर सबसे ऊपर आपने अपना address और उसके बाद date डालनी है, okay? So please do this work. Thanks for watching. Have a nice day.